हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो जारी कर दी गई है कई आरआरबी द्वारा, और जो कई आरआरबी ने तो ई एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट के साथ। तो दोस्तों, अगर आपने नोटिफिकेशन में एक पॉइंट देखा होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो मैं आपको उस पॉइंट को दिखाता हूँ। फिर लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो ये जो 16 नंबर पॉइंट है जिसमें आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट्स है एंड सर्टिफिकेट, जिसमें पॉइंट आपने देखा होगा, ये लिखा है कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ टू सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये तो टू सेट मांग रहा है आपका, सेल्फ अटेस्टेड करना है आपका, ठीक है, जरस करके। और अगला पॉइंट क्या है कि फर्दर दीज कैंडिडेट्स शुड अपलोड द स्कैन कॉपीज इन ट्रू कलर और ऑफ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एज अप्लीकेबल प्रायर टू दियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट थ्रू www.rrbdv.in पोर्टल। तो इसमें क्या लिखा है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, उससे पहले आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आरआरबी द्वारा, जो आपका जो ई एडमिट कार्ड है उसमें लिखा है, उसका स्कैन कॉपीज अपलोड करना है इस साइट पे। ठीक है, तो कई लोगों ने तो इस साइट को खोल के भी देखा होगा, अगर नहीं खोल के देखा तो चलिए इस साइट को हम ओपन करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस साइट को हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं www.rrbdv.in, कई कैंडिडेट्स ने तो ओपन भी किया होगा इस साइट को। तो इस पे ओपन होने से सिंपली यही शो कर रहा है आपका फैटल इरर, अनकाउट इरर कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, मतलब ये साइट जो है आपका खुल नहीं रहा है। तो इस पे अपलोड कैसे करेंगे आप स्कैन कॉपी। अगर मैं पिछली बार की बात करूँ, जो आपका आरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 का, उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट से कहा गया था, जो भी आपका नोटिफिकेशन थे उसमें लिखा था कि आपको इस पे अपलोड करना है अपना स्कैन कॉपी, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका स्कैन कॉपी इस साइट पे www.rrbdv.in साइट पे अपलोड करना है। लेकिन क्या हुआ था कि पिछले बार भी अपलोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये साइट खुल ही नहीं रहा था और अच्छे तरीके से लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, वो टेंशन नहीं लें, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर इस पे अपलोड करना रहता आपका स्कैन कॉपी, तो जो भी आपका ई एडमिट कार्ड आया है उसमें इन्फॉर्मेशन क्लियरली लिखा हो रहा था कि आपको जो भी स्कैन कॉपी है इस साइट पे अपलोड करना है। नहीं तो अगर करना भी होगा तो अभी नोटिस वगैरह आरआरबी जो है वो ज़रूर निकालेंगे। तो बिना टेंशन लिए जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके पहले ही से इकट्ठा कर लें, जो भी ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी अच्छे तरीके से, और अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो उसके लिए एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। ठीक है, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही।